हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गगन ऑटो, या सामने देख पा रहे हैं तो ये कई कंपनियों की टाइम चेन है, कई गाड़ियों की टाइम चेन है। तो आज की इस जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे टाइम चेन के ऊपर कि एक बाइक की टाइम चेन किन किन बाइकों में आ जाती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अभी वीडियो के अंदर, साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आ चुके हैं हम वीडियो के अंदर। तो ये जो सारी टाइमिंग चेन है, ये टाइमिंग चेन जैसे कि मैंने लगा रखी है, इधर है बजाज की है, ये बजाज की पुरानी पैकिंग है और ये है बजाज की न्यू पैकिंग। इधर ये TVS की टाइमिंग चेन है और इधर रोलन की है, रोलन की प्लेटिना ये टाइमिंग चेन है। और इधर ये 84 लिंक देख पा रहे हैं, तो इसमें 84 लिंक वो स्प्लेंडर में आती है। और ये रही आपकी पल्सर की, ये डायमंड कंपनी की है जो कि हीरो स्प्लेंडर में लगती है। और इधर भी रोलन कंपनी की जो 94 लिंक होती है वो डिस्कवर की होती है, जिसको 135 cc की। और जो DRD कंपनी की है ये भी स्प्लेंडर की, और एक इसमें है प्लेटिना ES की। इधर देख पा रहे हैं ये हीरो कंपनी की है। तो टाइम चेन ये मैंने क्यों लगा रखी है, क्योंकि आज जितनी भी ये टाइम चेन लगती हैं, जितनी भी बाइकों में लगती हैं, उसकी साथ की सारी बाइकों की आपको नॉलेज दूंगा कि एक टाइम चेन किन किन बाइकों में लग जाती है। साथ में इसको जो PDF है उसके भी शेयर करूँगा, स्लो मोशन में वीडियो दिखाऊँगा। उस पर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये रही पहली टाइम चेन जो कि स्प्लेंडर की है। स्प्लेंडर की सभी मैकेनिक भाइयों को पता है ज़्यादातर कि स्प्लेंडर बाइक है वो हीरो की। मोस्टली सभी 100 cc की जितनी भी बाइक होती हैं उन सभी में हीरो स्प्लेंडर की टाइम चेन लग जाती है, और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती है। इसकी प्राइस भी बिकने के साथ साथ बहुत ही कम है, 130 है और न्यू प्राइस है। मैं ये देख पा रहे हैं पैकिंग अपडेट कब की है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पैकिंग अपडेट देख पा रहे हैं 5 महीना 2021 की पैकिंग है, लिस्टेड पैकिंग है, कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, ओनली 7-8 महीने पुरानी पैकिंग है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो DRD की टाइम चेन है, इस जो कि किस में आ जाती है। DRD की टाइम चेन है ये 92 लिंक की है, इधर देख पा रहे हो 92 लिंक SV 92। इधर गाड़ी का नाम लिखा हुआ होता है किन किन गाड़ियों में आ जाती है, तो देखिए इसमें लिख रहा है XCD प्लेटिना 125। वैसे सभी टाइम चेनों पर लिखा होता है, जैसे कि ये हीरो की है, सॉरी स्टीनर की है, और स्टीनर की किन किन बाइकों में आ जाती है जैसे देख पा रहे हैं डिस्कवर 125, न्यू 150 cc, और CVF, PGM 125, पल्सर 135, डिस्कवर, DTSI, स्टीनर, CBS 125, BSF, मतलब इसमें कई सारे जितने भी मॉडल में ये टाइम चेन आ जाती है उसमें सभी के ये नाम लिखे हुए हैं। पैकिंग भी दे सकते हैं, 9/6/2021 की पैकिंग है, और MRP देख सकते हैं 152 रुपये MRP है। ये जो DRD की टाइम चेन है वो बहुत ही अच्छी टाइम चेन है मार्केट के अंदर। इन्होंने अभी आई थी मार्केट के अंदर, और इन्होंने मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट ऐसा निकाला जिससे इसका नाम हो गया, और ये टाइम चेन बहुत ज़्यादा बिकती है। दोस्तों कभी भी अगर आपके पास आई स्मार्ट है या फिर पैशन प्रो न्यू मॉडल की है जो BS6 में आई थी वो वाली, तो उसमें टाइमिंग चेन ये DRD के डाल सकते हैं, ये टाइमिंग चेन बहुत ही अच्छी काम करती है। बात कर लेते हैं, ये है जो टाइमिंग चेन है ये रोलन कंपनी की है, 94 लिंक की है, जो कि डिस्कवर 135 में आ जाती है। आइए इसे भी देख लेते हैं किन किन बाइकों में ये आ जाती है। तो इधर अभी इसमें देखते हैं किधर है भाई, ये रहा दोस्तों, इस पर लिखा हुआ है डिस्कवर DTSI स्टीनर CVS 125 स्टीनर CVS, जो कि इसमें भी ये लिखा हुआ था, ये चल लेकिन 94 लिंक की है, इधर 92 लिंक की है, गाड़ी में गाड़ी अदर लिखा हुआ था। बात कर लेते इसकी भी, ये जो पल्सर है, पल्सर 150 cc में आ जाती है, पल्सर 180 DTSI, दोनों में सेम ही टाइम चेन लगती है। और इसके जो लिंक होती हैं वो 98 लिंक की होती है, इसमें लिख रहा है B04 98R 98 लिंक की एक होती है। इसके बाद ये जो टाइम चेन दिख पा रहे हैं ये मेरे पास है डिस्कवर, जो कि अभी मैंने बताई थी 194 लिंक, वो सॉरी 94 लिंक की, और 135 cc में आ जाती है। बात कर लेते हैं ये स्प्लेंडर की भी, स्प्लेंडर में टाइम चेन आती है वो 84 लिंक की आती है, देख पा रहे हैं 84 लिंक। बात कर लेते हैं किन किन बाइकों में आ जाती है, तो कंपनी है वैसे सभी का गाड़ियों का नाम लिख देती है, फिर भी आपको मैंने सोचा PDF शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मेरे कस्टमर की डिमांड आई थी कि भाई मेरे को PDF चाहिए टाइम चेन का, तो मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की और बना रहा हूँ। इसमें लिखा है CD 110 स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस पैशन, पैशन प्लस पैशन प्रो,
K400 चैलेंजर वेलोसिटी M8045 मेजर बाइक, कई बाइकों में लग जाती है। इधर ये देख पा रही है TVS की, तो आइए भाई ये भी टाइम चेन उठा लेते हैं जो TVS कंपनी की है, किन किन बाइकों में लग जाती है। तो ये पार्ट नंबर TVS का डला हुआ है N001030। नेट क्वालिटी है वो 1 पीस है। MRP है 233 रुपये। तो प्रोडक्ट लिखा हुआ है कैमचेन चैलेंजर, जो कि गाड़ियों का नाम इधर लिखा हुआ है, इधर ज़रा दिख नहीं रहा है, इधर मिट गया है, लेकिन जो ये टाइमिंग चेन है वो स्टार सिटी प्लस की टाइमिंग चेन है। इधर ये देख पा रहे हैं डिस्कवर की है, 189 रुपये MRP है। पार्ट नंबर देख रहे हैं DH1010050। डेट ऑफ पैकिंग 5/2020 की ओल्ड पैकिंग है, जो कि इस पर दोस्तों आपको गाड़ी का कहीं पर नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप इस पार्ट नंबर के हिसाब से नेट पर डालो, गूगल पर डालो और तुरंत पता चल जाएगा कि यह किस बाइक की है और किस बाइक में लग लग जाती है। साथ ये भी बात कर लेते हैं जो कि मेरे पास है, पुरानी पैकिंग की है, बजाज कंपनी की है और 156 रुपये MRP है। इसके अंदर भी गाड़ी का नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन जो पार्ट नंबर इधर देख पा रहे हो JA5310-1 कैम चेन लिखा हुआ है। बानवे पर लिंक की जितनी भी टाइम वो गाड़ी होती है, मतलब डिस्कवर 100cc में आ जाती है, प्लेटिना में आ जाएगी भाई, कई गाड़ियों में आ जाती है। तो ये क्या है, और ये जो टाइम चेन इधर देख पा रहे हैं, ये खुली हुई टाइम चेन है, ये सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर इनमें आती है। तो इन बाइक कई मैकेनिक भाई ऐसे हैं कि जिनको ध्यान नहीं रहता है कि एक बाइक किन किन बाइकों में ये लग जाती है टाइम चेन। तो इधर आपको PDF दिखा रहे हैं, ये रहा मेरे साथ ये PDF, इन भाइयों के पास है PDF। अब आप स्लो मोशन में यहाँ का PDF की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आराम से दिखा दूँगा। तो इधर रहा PDF, देखो भाई आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आइए यहाँ तक आपने ले लिया होगा, अब चलते हैं नीचे की तरफ। इधर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आइए समझाते हैं। इस पर अगर लिखा हुआ है देखी जाए तो बाई बी एक्स एंटरनो बाई 125। पार्ट नंबर दोस्तों लिखा हुआ है B25882। इस पार्ट नंबर के हिसाब से आई और एप्लीकेशन लिखाई है किसकी चेन है, तो कैम चेन है, मतलब टाइम की चेन, कैम के ऊपर जो चेन चलती है उसकी है। बात कर लेते हैं 2 नंबर पर, वो इस पर लिखा हुआ है करेक्सार लवेरो और अल्वा, मतलब करेक्स की जो टाइम है चेन है वो लोवेरो में आ जाएगी, करेक्स आर में आ जाएगी, अल्वा में आ जाएगी। अगर कड़ी की बात करें तो 90 कड़ी की होती है, इसमें लिखा हुआ BS2590-2, मतलब 90 लिंक की होती है। और बात कर लेते हैं ये लिखा हुआ कैम चेन, मतलब कैम की ये चेन है जो के टाइम चेन बोलते हैं। इधर आप बात कर लेते हैं जैसे कि पल्सर 135 की किन किन के बाइकों में आ जाएगी, तो पल्सर 135 से आ जाएगी, डिस्कवर 125cc में न्यू में 150 में आ जाएगी और BM 150cc में आ जाएगी। और लिंक की बात करें तो इस पर लगा हुआ है बीच में जो 94 पे लिंक की है, और सोलिड बॉस कैम चेन, सोलिड का मतलब ये जो टाइमिंग चेन है वो दोनों तरफ से हैवी क्वालिटी में आती है, इसीलिए इसे सोलिड क्वालिटी लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं इधर लिखा हुआ है स्कूटी पेप प्लस स्ट्रिक, जो स्कूटी एक्टिवा जैसी होती है उसमें आ जाती है, उसका जो कड़ी होती है वो 94 लिंक की होती है, जो कि ज़्यादातर स्प्लेंडर में भी आ जाती है 94 लिंक। लेकिन यहाँ पे स्प्लेंडर का नाम क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसकी जो टाइम चेन होती है वो अलग कड़ी की आती है और स्प्लेंडर की जो टाइम चेन है वो अलग कड़ी की आती है, मतलब बनावट में थोड़ा बहुत अंतर है, इसलिए यहाँ पे स्प्लेंडर का नाम लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है CSV कैम चेन, मतलब इसकी क्वालिटी अलग है बनावट की, इसलिए उसको अलग कर दिया है। बात कर लेते हैं इधर नीचे की तरफ, तो ये सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर, जो ये टाइम चेन देख पा रहे हैं, ये सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर की टाइमिंग चेन है। तो इसमें पार्ट नंबर यह दे रखा है और इस पर लिखा हुआ है 2-3, मतलब 2-3 का आप समझ पाते हैं क्या होता है, 2-3 का मतलब होता है ये चेन के है इसकी बनावट के हिसाब से होता है कोडिंग।
इसकी जो बनावट है वो अलग तरीके से आती है। टू का मतलब एक दो और बीच में जोन होता है मतलब टू स्टार वन। तो ये जो ये पीडीएफ है इसको मैं आप दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नहीं लिया होगा तो पहले इधर का फिर इधर का, और इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपके काम की है तो, और काम की नहीं है तो बेशक मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक की थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो, और ज़रूर मुझे को ये बताएं, और आपको बाल के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।